अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत बशीर बद्र के अशआर से करते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। भारत की मोदी हुकूमत ने इसराइल की संगत में रहकर जालिमाना रवैया अख्तियार करना सीख लिया। अदालत के बाहर लोगों को सबक सिखाने की यह असंवैधानिक जिद भारतीय शहरियों को ही जख्म दे रही है। क्या इस तरह की गुंडागर्दी और जालिमाना रवैया शहरियों को गुलाम बनाने की तरफ पहली सीढ़ी तो नहीं है? लिहाजा बुलडोजर तहजीब मुल्क के शहरियों को ही गुलामगिरी की जंजीरों में जकड़ने की तरफ चल पड़ी है। भले ही कुछ लोगों को मजा आ रहा हो, क्योंकि एक समाज को यहां पर निशाना बनाया जाए, लेकिन इसका मुस्तकबिल सिवाय तारीकी के कुछ भी नहीं है। क्या अब इस मुल्क में एहतजाज भी जुर्म हो गया? आखिर वो 16 साल के मुदस्सिर की क्या गलती थी जो गुस्ताख रसूल के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था? क्या वाकई भारत को भी फलस्तीन बनाने की साजिश मुकम्मल बनाई जा चुकी है? तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, शायद शायर की नजर में सिर्फ कुछ लोग बुरे होते हैं जो बस्तियों को जलाते तोड़ते रहते हैं, लेकिन हालत इस कदर भी तब्दील हो जाएगी सोचा नहीं था कि अब रियासती हुकूमत ही खुद शहरियों के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे सही ठहराएगी। भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की। भारत समेत दिगर बाहरी मुल्कों में भी इसका रद्दअमल देखा गया। बैरूनी ममालिक के चलते नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल तो दिया गया। भारत के तकरीबन 9 रियासतों में एहतजाज हुआ, गोलियां चलाई गई, लोग शहीद हुए, हजारों को जेलों में बंद किया गया, फसादी कहकर कईयों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। लेकिन फ्रिंज एलिमेंट कहने वाली भाजपा ने अब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की है। क्या इसका यही मतलब निकाला जाए कि कानून अदलिया अब नहीं था? झारखंड यूपी पुलिस का जालिमाना रवैया किस तरफ इशारा करता है? कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें कमसीन उम्र के बच्चों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही है। आखिर इतनी नफरत इतना गुस्सा कहां से लाते हैं? क्या वर्दी इंसाफ करने के लिए नहीं दी गई है? अब थोड़ा बेलगाम शहर में हो रही पिछली कुछ वारदातों पर नजर डालते हैं। फोर्ट रोड पर नूपुर शर्मा का पुतला लटकाया गया, इसको मीडिया ने भी बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन क्या मीडिया ट्रायल पर ही फैसले किए जाएंगे? मतलब अगर मीडिया किसी चीज को सही और किसी चीज को गलत कहे तो इसकी बुनियाद पर ही बिना जुर्म तय किए गिरफ्तारियां अमल में आएगी? एहतजाज संवैधानिक हक है। इस मुल्क के आईन ने एहतजाज आंदोलन अपने ख्यालात की आजादी का हक दिया है, और यकीनन जो भी फर्द शख्स शहर के रियासत मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महज पुतला लटकाने को लेकर सिर्फ मीडिया में उछाला गया, किसी हाल में नौजवानों पर मुकदमे दर्ज होना क्या सही है? और जिन लोगों ने शहर के अमन को खतरे में डालते हुए तशद्दुद फैलाने की कोशिश की, उन पर तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं। इसे क्या कहा जाए? क्या वाकई इंसाफ मीडिया और सियासी लीडरों के दबाव के चलते लिए जाएंगे? और यही हो रहा है, बुलडोजर कल्चर भी इसी की कड़ी कह सकते हैं। किसी तरह अदालत के दखल के बगैर किसी को भी दंगाई ठहरा कर खुद ही फैसला देना और खुद वजीर आला इसका हुक्म देना, गोया मुल्क अब किसी संविधान से नहीं बल्कि मनमानी फैसलों से और एक समाज की दुश्मनी की बिना पर चलेगा। दुश्मनी की इंतहा और नानसाब की हद कह सकते हैं कि जिस कॉलेज की तुलबा ने CNRC एहतजाज में पेश रही, आज अपनी भड़ास निकालने के लिए आज आफरीन फातिमा के इलाहाबाद के घर पर बुलडोजर चलाएगा। रांची के दो मकानों पर भी फसाद के लिए जिम्मेदार ठहरा कर बुलडोजर चलाएगा। आखिर कैसी तहजीब पनप रही है? और ताज्जुब तो यह है कि पूरा मुल्क खामोश है। मुल्क के आईन संविधान के खिलाफ खुद काम करो और दूसरों को देश विरोधी साबित करो, यही इनका मंसूबा है, और मंसूबा आगे बढ़ते भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। अवाम के दिलों में डर खौफ बिठाया जाए ताकि कोई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की जरूरत ही ना करे, और यही इससे पैगाम देना चाहते। अवाम को जहनी जिस्मानी गुलाम बनाने की तरतीब जारी हो चुकी है, ये प्रक्रिया जारी हो चुकी है। किसी भी शहर में बुलडोजर तहजीब चलाई जा सकती है, और अक्सरियत तबका इसलिए खामोश है क्योंकि किसी समाज के विरोध में हो रहा है, लेकिन क्या इसे मुल्क अंदरूनी तौर पर कमजोर नहीं हो रहा? और खासकर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो प्यास लगने के बाद कुआं खोदने की इनकी पुरानी आदत है, और इसी कायली सुस्ती ने इस माशरे को आखिरी सफ में ले जाकर खड़ा कर दिया है, जहां इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बेलगाम शहर में भी इस तरह के 12 मंजर देखे जाते हैं। इसमें फिर सियासी दखल भी हो जाता है, कोई और लीडर कहीं बैठकर फरमान जारी करता है और इनके हिमायती उस लीडर का एजेंडा लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें नामुस रिसालत से भी ज्यादा अपने लीडर का फरमान ज्यादा अजीज होता है। नूपुर शर्मा पुतले के मामले को लेकर 3 अफरादों की गिरफ्तारी अमल में, तमाम जमातों के जिम्मेदारान ने पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात भी फरमाई। जरूरत है ना सिर्फ बेलगाम बल्कि हर शहर की जमात यंग कमेटी इदारे तंजीम के जिम्मेदारान एक दूसरे के रबते में रहते हुए आने वाले हालात पर सरों को जोड़कर बैठे, पहले वाली आदतों से बाज आ जाए, अपने आप को अपडेट करें। इनकलाब कुछ लम्हों में या कुछ मीटिंगों से नहीं आता, लिहाजा बार बार चलते हालात हाजरा पर तबादले ख्याल करें। कुछ होता है तो ही जमकर बहस मुबासा करने की आदत को छोड़कर जिम्मेदारान जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें।
कल कुछ जगहों पर शहर पसंदों की जानिब से मोटरसाइकिलों को भी जलाया गया, लेकिन इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बोलना होगा, मुतालबात पेश करने होंगे, इंतजामिया पुलिस अफसरान को बार बार मिलकर हालात से वाकिफ करें। हमारा मामला यह है कि जब तक कुछ हादसा पेश नहीं आता तब तक खामोशी बैठे रहते, फिर कुछ हो जाता है तो हरकत में आ जाते। लिहाजा वक्त ही जागने से कुछ हासिल नहीं होता, मुस्तकिल कोशिश के बाद कुछ नतीजे बरामद होते हैं। फिरका परस्तों के खिलाफ पुलिस पर हमने कभी दबाव डाला ही नहीं, जाहिर है उन पर कार्रवाई भी नहीं होती। लिहाजा बदलते हुए हालात में हर शहर में एक कमेटी को तश्कील किया जाए, क्योंकि आने वाले हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जुल्म और बढ़ जाएगा, जुल्म कभी भी पनप नहीं सकता, लेकिन वक्ती तौर पर ही क्यों ना हो नुकसान जरूर कर सकता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाता है। जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती, हमने वक्त के फिरौन को भी देखा है, इस दौर के जालिमों को भी देख रहे हैं। जालिम की जबर हमारे सब्र के बीच में ये लड़ाई है, ईमान को बचाना सबसे अहम है, कहीं डर खौफ हमें हमारे मौकूफ से हमें दूर न ले जाए। कौन किस तरफ खड़ा होता है यही कामयाबी और नाकामी का फैसला करता है। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।